प्यार का एहसास बड़ा ही अनोखा होता है, जहाँ इस खूबसूरत एहसास का इजहार बिना बोले ही हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गंगा सागर बॉन्ड ऑफ ट्रू लव। मैं अपूर्वा, इस कहानी की राइटर और नैरेटर। गंगा आईआईटी रुड़की जाने के लिए जिद पर अड़ी थी। वो हर कोशिश करती है रजत को कन्विंस करने की, पर रजत वो भी अपनी जिद के पक्के थे, पर आखिरकार बेटी के आगे हार माननी ही पड़ती है। उसकी खुशी से बढ़कर रजत के लिए कुछ भी नहीं है। उसके मन में बस एक ही ख्याल चलता रहता है कि जो 18 साल में एक बार भी इस शहर से बाहर तक नहीं गई, मुझसे कहीं दूर नहीं रही, वो वहां अकेले कैसे रहेगी। गंगा रुड़की आ जाती है, आईआईटी रुड़की किसी सपनों जैसी एक दुनिया है उसके लिए। सब कुछ बहुत नया है, इतना अलग माहौल। वो बल्लभगढ़ को यहाँ बहुत मिस कर रही है। हर दिन कोशिश करती है खुद को इस माहौल में ढालने की। गंगा बहुत ही रिजर्व नेचर की है। उसके रूम में दो और लड़कियां हैं उसके साथ। एक दिन क्लास से वापस आकर वो सो जाती है कि तभी फोन बजता है। हेलो पापा। गंगा सो रही थी क्या? कुछ उदास लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं, वो क्लास से आके सो गई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज टेंशन मत लो। अच्छा चल ये बता, किसी से दोस्ती हुई या नहीं? वहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है वहाँ तुझे? नहीं पापा, ठीक है। गंगा हंसकर टाल देती है, पर असल में वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। एक दिन क्लास में गंगा की वन एंड ओनली फ्रेंड, जो उसकी रूममेट भी है, एब्सेंट थी। और मजाल है कि कोई मैडम के पास आकर भी बैठ जाए कि तभी पता नहीं कहां से एक लड़का आकर गंगा के बगल में बैठ जाता है। गंगा उसकी ओर देखती है पर कुछ बोलती नहीं। हेलो मिस जीनियस, आई एम सागर, सागर अरोड़ा। गंगा हाय बोलती है और उड़ती हुई निगाहों से सागर की ओर देखती है। मैं क्या आपको सच में जीनियस लगती हूँ? क्लास में आपका इन्वॉल्वमेंट और रेस्पॉन्स देख के तो आप जीनियस ही लगती हो मिस चश्मिश। इतना सुनकर ही गंगा हंसने लगती है और ऐसा लगता है मानो कोई पंछी आजाद हो गया हो कि तभी उनका साउथ इंडियन टीचर जोर से उस पर चिल्लाता है। Hey you, third bench, why are you laughing and what is wrong with you? I'm really very sorry sir. गंगा घबराते हुए कहती है और सागर को गुस्से में घूरती है। थोड़ी देर में क्लास ओवर हो जाती है और गंगा कैंटीन में चली जाती है। सागर भी उसके साथ साथ कैंटीन में ही आ जाता है। गंगा बेहद शांत है और उसके ऑपोजिट सागर बहुत ज्यादा बातूनी। वो गंगा से उसकी फैमिली, स्कूलिंग, फ्रेंड्स सब कुछ पूछता है और गंगा बता देती है। पर जब वो सागर से इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पूछती तो वो खुद ही सारा बखान करना शुरू कर देता है कि मैं मुंबई से हूँ, मेरी स्कूलिंग वहां से हुई है और मेरे फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दिस एंड दैट। वक्त बीतता है और दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। और लोगों से भी गंगा की दोस्ती होती है उस वक्त, पर एक अजीब सा खालीपन था, ऐसा कोई जिससे सब कुछ शेयर कर सको बिना कुछ भी सोचे, जो आपकी खामोशी को भी पढ़ ले, ऐसा कोई नहीं था। वैसे तो दोनों के स्टेटस और अपब्रिंगिंग में, यहां तक कि दोनों के नेचर में भी बहुत फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। सागर, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड बॉय। वो बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, गंगा वो बहुत ही शाय और रिजर्व नेचर की है। पर उनके वैल्यूज, जिंदगी को देखने का उनका नजरिया, ये काफी कुछ एक जैसा ही है।
शायद यही वो एक कड़ी है जो दोनों को इतनी मजबूती से जोड़ती है। वैसे भी कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। गंगा सागर के साथ बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके मन में सागर का ही ख्याल रहता है। वैसे भी जो लोग कम बोलते हैं ना, उनके दिमाग में अक्सर एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। कॉलेज के बाद अक्सर दोनों कभी गंग नहर तो कभी सुलानी पार्क जाते हैं। अब तो चाहे स्टडीज हो या कॉलेज का कोई इवेंट, गंगा और सागर को दोनों सब साथ ही देखते हैं। ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को भी पता नहीं चलता। पूरे कैंपस में दोनों के चर्चे हैं, पर ये दोनों अपना वही टिपिकल डायलॉग लेकर बैठे हैं। Oh come on यार, we are just good friends. Stop teasing us. तो आखिर कब इनका we are just friends वाला ड्रामा खत्म होगा और ये एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करेंगे, ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपके फीडबैक और सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट फॉर दिस एपिसोड। मैंने हर एक कैरेक्टर को डिफरेंट वॉइस दी है। मेरे चार फ्रेंड्स परवित बहल, ओशन सिंह, शिप्रा यादव एंड अनिश खंडेलवाल। मेरे साथ साथ आपने इन चारों की आवाज़ भी इस एपिसोड में सुनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना ये चीज़ आपको कैसी लगी। और इन चारों को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और कमेंट करना, शेयर कर देना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। और बस अपना और अपनों का ध्यान रखना। स्टे होम, स्टे सेफ।